गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर में सम्मिलित क्लोनिंग विषय पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्लोनिंग शब्द जो है वो ग्रीक भाषा में क्लोन KLON क्लोन से बना है, और क्लोन का आशय होता है KLON क्लोन, क्लोन का आशय होता है पादप की शाखा या टहनी से है। इस प्रकार क्लोन वह जीव है जो एक एकल जनक सिंगल पेरेंट से कायिक विधि या वेजिटेटिव प्रोसेस से जन्म लेता है। यह अपने जनक से भौतिक एवं आनुवांशिक तौर पर बिल्कुल समान होता है। एक क्लोन अर्थात इस समूह के सभी जीव जीनी संरचना में एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इस प्रकार क्लोनिंग प्रजनन की वह गैर पारंपरिक या गैर लैंगिक नॉन सेक्सुअल विधि है जिसके द्वारा अनेक जीव अपने जनक के समान प्राप्त होते हैं। एक क्लोन के सभी जीव एक दूसरे की तथा अपने जनक की हूबहू कॉपी होते हैं। जैसे वनस्पति जगत में या बॉटनी में अनेक पौधों को कुछ कारणों से उगाना कठिन होता है, तो उस पादप की टहनियाँ काटकर जिन्हें हम कलम या ग्राफ्ट कहते हैं और ज़मीन में रोप देते हैं। इस प्रकार जनक पादप पेरेंट पादप के समान अनेक पादप प्राप्त हो जाते हैं जो गुणों में जनक के समान होते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा किया जा सकता है? यह उत्सुकता सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में लंबे अरसे से चली आ रही थी, और क्यों नहीं अच्छे लक्षणों वाले जनक के समान अनेक पुत्र उत्पन्न हो, अधिक दूध देने वाली कोई गाय हो तो हूबहू उसी की नस्ल की अनेक प्रतिलिपियाँ प्राप्त की जाएं। ऐसी धारणा ऐसे विचार मनुष्य के कल्पना में रहे हैं, और मनुष्य की यह कल्पना रही है कि अच्छे शक्ल सूरत या बुद्धि युक्त संतानों की संख्या बढ़े, जंतु प्रजनन व सामान्य वैज्ञानिकों के लिए यह चुनौती भरा विषय था कि अच्छे लक्षणों वाले जीवों को लुप्त होने से या अच्छे जीनों को डाइल्यूट होने से बचाया जाए। उच्च प्राणियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। नर एवं मादा युग्मजों के संलयन से युग्मनज बनता है, युग्मनज अर्थात जायगोट बनता है, और जायगोट में विखंडन की क्रिया होती है, सेगमेंटेशन या सेलुलेशन की क्रिया होती है, क्लीवेज की क्रिया होती है। वह परिवर्तन के दौरान भ्रूण व पूर्ण होने पर पॉपुलेशन का निर्माण होता है। संतति में माता व पिता दोनों के प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं। लक्षणों की कोशिकाओं में संवर्धन की अल्प क्षमता होती है, और यह कोशिका संख्यात्मक वृद्धि उसी परिस्थिति में करती है जब इसमें नैसर्गिक रूप में विभाजन की क्षमता हो तथा यह पूर्ण शक्त अर्थात टोटी पोटेंट हो, तो ही यह पूर्ण
व्यष्टि के रूप में विकसित हो सकती है, व्यष्टि अर्थात पॉपुलेशन के रूप में विकसित हो सकती है। क्लोनिंग पर कुछ प्रयोग किए गए हैं। हैंस स्पीमान, जिनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1941 था, ने सी अर्चिन एवं सेलामेंडर के अंडों एवं भ्रूण का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि इन जंतुओं के आरंभिक भ्रूण की आरंभिक अवस्थाओं में से यदि कुछ सेल्स को पृथक कर, कुछ कोशिकाओं को पृथक कर उचित माध्यम में रखते हैं तो भ्रूण कोशिका से एक भ्रूण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हाइड्रा में बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा एवं प्लेनेरिया में विखंडन द्वारा एक समान आनुवांशिक गुणों वाली संतति प्राप्त किए जाने की क्रिया के बारे में पहले से ही सर्वविदित है, आपको पता है, इस्टेब्लिश्ड है। कुछ ट्यूनिकेट्स में भी यह क्रिया पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स अर्थात हार्डमानिया एसिडेसिया जिसको कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं ये। प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा के अंदर ट्यूनिकेट्स आते हैं, तो ट्यूनिकेट्स में भी यह क्रिया पाई जाती है। एक युग्मनजी या मोनोजाइगस यमच एक दूसरे के क्लोन ही होते हैं। डेसीपस नेविमेंकस आर्मेडलो होता है ये, अपने भ्रूण के विखंडन से 4 से 8 क्लोन उत्पन्न करता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या ब्लास्टुला की सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं और अगर हम उनको विभेदित कर दें और उनको पृथक कर दें तो प्रत्येक क्लोन, प्रत्येक क्लीवेज का खंड एक अलग जीव को जन्म देता है, अलग जीव में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया आर्मेडोला में आर्मेडिलो के अंदर सहज रूप से देखने को मिलती है। इसी तरह से रॉबर्ट ब्रिग्स एवं थॉमस किंग ने 1956 में भ्रूण के केंद्रक की पूर्ण सतर्कता पर कुछ प्रयोग किए और इन्होंने लियोपार्ड मेढक राना पाइपिंस का ऊसाइट लिया और इसे कांच की नुकीली सुई से स्पर्श किया और पाया कि यह प्रेरित हो जाता है, यह इंड्यूस हो जाता है, इसमें विभाजन होने लगता है और इसके केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन आरंभ हो गया है। उन्होंने एक और प्रयोग किया और इस सक्रिय अंड से केंद्रक को निष्कासित कर दिया और इस अकेंद्रकित अर्थात ई न्यूक्लिएटेड अंड को पराबैंगनी किरणों से ट्रीट किया, उपचारित किया एवं इसमें एक अन्य ब्लास्टोमियर के केंद्रक जो कि 2N था को इम्प्लांट किया, रोपित किया और उन्होंने पाया कि इन केंद्रक प्रतिरोपित अंडों से पूर्ण टैडपोल विकसित हो जाते हैं। तो ये क्लोन थे। इसी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेबी गार्डन 1969 उनका समय था 1969 में एवं इस इनके साथियों ने केंद्रक प्रतिरोपण की अन्य विधि अपनाई और इन्होंने मेंढक के कुछ अंडे लिए, इन अंडों के केंद्रक को नष्ट कर दिया और इनके स्थान पर
अन्य जाति के टैडपोल के आंत के उपकला कोशिकाओं के केंद्र को प्रतिरूपित कर दिया। इन अंडों से टैडपोल विकसित हो गए जो कायांतरण के बाद वयस्क मेंढक में विकसित हो गए। ये टैडपोल एवं मेंढक अपने पूर्वज की जीनीय दृष्टि से हूबहू प्रतिलिपि कॉपी थे और इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विभेदित कायिक कोशिकाएं पूर्ण शक्त या टोटी पोटेंट ही रहती हैं। और जैसे जैसे भ्रूण की आयु बढ़ती जाती है इस क्षमता का ह्रास हो जाता है, ये क्षमता समाप्त हो जाती है और गार्डन द्वारा विकसित केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक जो थी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट टेक्निक को आज भी रूपांतरित तरीके से क्लोनिंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये जो बातें थी ये क्लोनिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब क्लोनिंग के प्रकार क्या हैं, कितने तरीके की क्लोनिंग होती है। क्लोन एक व्यापक शब्द है, इसके अनेक अर्थ निकाले गए हैं और इसे दो वर्गों में विभक्त किया गया जा सकता है। इसका आधार इस क्रिया हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सामग्री से है। जैसे पहला पॉइंट जीन क्लोनिंग, दूसरा पॉइंट है जीवों की क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है, यदि किसी जीन या डीएनए या गुणसूत्र की हूबहू अनेक प्रतियां बनाई जाती तो यह क्रिया भी क्लोनिंग ही कहलाती है। तथा प्रत्येक प्रतिलिपि को क्लोन कहा जाता है। जीन या डीएनए के अध्ययन के लिए इसकी अनेक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती हैं और पीसीआर टेक्निक या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जीन मशीन से यह क्रिया संभव हो गई है। जीवाणु में प्रवेशित कराया जाता है और इसके लिए क्या करते हैं, इसके पूर्व एक अन्य विधि में किसी जीन को किसी वाहक के डीएनए के साथ जोड़कर जीवाणु में इंट्रोड्यूस करते हैं और यह जीवाणु रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है, साथ ही इन जीन की अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त होती हैं और यह क्रिया भी जीन क्लोनिंग ही कहलाती है। दूसरी टेक्निक में क्या होता है, जीवों की क्लोनिंग या क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। इस उद्देश्य के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली तकनीक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और दूसरी होती है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हिंदी में प्रजननीय क्लोनिंग कहते हैं और चिकित्सकीय क्लोनिंग को थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंतर्गत क्या चीज़ है वो समझिए, यह पूर्ण प्राणी के क्लोन बनाने से संबंधित है और यह तीन प्रकार की हो सकती है। पहली भ्रूण क्लोनिंग या एम्ब्रियो क्लोनिंग, इसमें नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज या जायगोट बनता है। युग्मनज में विखंडन द्वारा 2, 4, 8 और फिर 16 सेल्स बनती हैं। यह रचना बाद में भ्रूण कहलाती है। प्रारंभिक
भ्रूण की कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। यदि इन ब्लास्टोमियर्स को भ्रूण से अलग कर संवर्धित किया जाए तो प्रत्येक पृथकित कोशिका एक भ्रूण में विकसित होती है, क्योंकि इनका जीनीय पदार्थ समान होता है। ये सभी एक समान अर्थात एक दूसरे की प्रतिलिपि होते हैं। इनसे बने वयस्क को ट्विन्स कहते हैं और यह क्रिया ट्विनिंग भी कहलाती है। और यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ट्विन्स एक दूसरे की प्रतिलिपि या क्लोन है, माता पिता के नहीं है। ये बात स्पष्ट होना आवश्यक है। इसी तरह से दूसरी विधि में केंद्रक प्रतिरूपण द्वारा क्लोनिंग, क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इस विधि में क्या होता है, यदि वयस्क प्राणी के समान क्लोन बनाना हो तो यह आवश्यक है कि निषेचन कराए बिना ही जीव का परिवर्धन हो, अन्यथा दोनों पेरेंट्स के लक्षण संतति में आएंगे। और इस क्रिया हेतु गार्डन द्वारा अपनाई गई तकनीक का उपयोग किया जाता है, अर्थात मादा से अंड प्राप्त किए जाते हैं और इस अंड से केंद्रक का निष्कासन कर दिया जाता है और इस अकेंद्रित अंड में अब वांछित कोशिका का डिप्लॉयड न्यूक्लियस या 2N केंद्रक प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह 2N केंद्रक जिस जंतु से लिया जाता है, भ्रूण या वयस्क अर्थात क्लोन, उसी की कॉपी होती है, उसी की प्रतिकृति होती है। यह तकनीक उतनी ही आसान नहीं है जितनी बताई गई है। इसके प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी रखी जाती है, प्रत्येक पद हेतु, प्रत्येक स्टेप के लिए विशिष्ट टेक्निक की सहायता ली जाती है और इस क्रिया को रोजलिन इंस्टीट्यूट के विल्मिट एवं उनके साथियों ने 1996 में इस तकनीक द्वारा बहुचर्चित भेड़ क्लोन, जिसको डॉली नाम दिया था, बनाया था। इसी तरह से हवाई विश्वविद्यालय के रुजो याना गिमाची एवं उनके साथियों ने किंग ब्रिग्स एवं गार्डन का तकनीक में कुछ परिवर्तन कर क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की और इसे होनोलुलु तकनीक का नाम दिया गया। और इस तकनीक में दाता एवं ग्राही कोशिकाएं एवं इसके केंद्रक का संलग्न नहीं कराया जाता, इसके स्थान पर केंद्रक विहीन अंड कोशिकाओं में उन कोशिकाओं के केंद्रक को प्रतिस्थापित किया जाता है जो G0 या जीवन अवस्था में होती हैं। G0 या जीवन अवस्थाएं सेल साइकिल के अंदर आपने पढ़ी होगी। और इस प्रकार इन्होंने क्या किया, 50 माइस के अंदर 50 चूहियाएँ क्लोन के रूप में प्राप्त की और प्रथम क्लोन चूहिया को की 3 पीढ़ियाँ भी प्राप्त की तथा यह भी सिद्ध किया कि क्लोनिंग द्वारा संतति में कोई असामान्यता उत्पन्न नहीं होती है। इस पूर्ण क्रिया का श्रेय शोधकर्ता टेरुहिको वाकायामा को दिया गया। इसी तरह से क्लोनिंग मैमल्स के अंदर भी की गई। मैमल्स में स्तनधारियों में सफलतापूर्वक क्लोनिंग द्वारा 1997 में डॉक्टर इयान विल्मिट एवं उनके साथियों ने
डॉर्ली नामक भेड़ को प्राप्त किया। ये स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निकट रोजलिन इंस्टीट्यूट से संबंधित है। यहाँ इस भेड़ का जन्म हुआ और यान विल्मिट ने 1955 में 3 भेड़ों को क्लोन किया था। डॉली के चर्चा में आने का कारण यह था कि यह प्रथम स्तनी जीव थी जिसे वयस्क की कोशिका से क्लोन किया गया था, जबकि इससे पूर्व उत्पन्न स्तनी में केंद्रक या कोशिकाएं भ्रूणी कोशिकाएं से ली गई थीं। डॉली भेड़ के विकास की क्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। पहला पॉइंट क्या था, यान विल्मिट ने उनके साथियों ने एक गर्भित डॉर्सेट भेड़, सफ़ेद मुंह वाली पहाड़ी वेल्स भेड़ की स्तन ग्रंथियों से 277 सेल्स प्राप्त की और ये सेल्स एक 6 वर्षीय भेड़ से ली गई थीं। इन्हें डीप फ्रीजर में रखा गया और इन्हें 5 दिन तक प्रयोगशाला में रखा गया, किंतु पोषक पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में दिए गए और इस प्रकार इसकी पहचान स्तन ग्रंथियों के रूप में समाप्त हो गई। इसके जीन अक्रिय हो गए और यह कोशिका सुषुप्तावस्था में आ गई। इस प्रकार यह कोशिका केंद्रीय रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार कर ली गई और जिससे इच्छानुसार कार्य किया जा सकता था। दूसरे पॉइंट पर, दूसरे चरण में एक अन्य काले मुंह वाली स्कॉटिश भेड़ से अंड कोशिकाएं प्राप्त की गईं तथा इनके केंद्रक को अंड कोशिका से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार अकेंद्रित अंड कोशिका प्राप्त कर ली गई। अकेंद्रित अंड कोशिकाएं एवं स्तन ग्रंथि की पृथक की गई कोशिकाओं को एक साथ संवर्धन माध्यम में रखा एवं विद्युत द्वारा प्रवाहित की गई, अतः दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संलयन हो गया और अंडाणु कोशिका से स्तन ग्रंथि कोशिका के केंद्रक को अपने में समायोजित कर लिया। और चौथे स्टेप में इस प्रकार अंड कोशिका में स्तन कोशिका के केंद्र का प्रतिरोपण होने के कारण यह सक्रिय होकर विभाजन करने लगी और संवर्धन के दौरान इनमें से केवल 29 भ्रूण ही सक्रिय हुए, शेष नष्ट हो गए। इन सक्रिय भ्रूणों को 13 काले मुंह काली भेड़ों के गर्भाशय में इम्प्लांट किया गया और इस क्रिया हेतु मादा भेड़ों को कृत्रिम गर्भावस्था हेतु उपचारित किया गया, ट्रीट किया गया और इनमें से केवल एक भेड़ को ही गर्भवती हुई। छठे स्टेज में अंड कोशिकाओं के संलयन किए जाने के 148 दिन के बाद 5 जुलाई 1996 को एक काले मुंह की भेड़ ने, जिसे धात्री माता या सरोगेट मदर कहा गया, ने एक मादा भेड़ को जन्म दिया जिसका नाम स्थानीय गायिका डॉली पार्टन के नाम पर, डॉली इस स्थानीय गायिका थी, एक सिंगर थी, उसके नाम पर डॉली रखा गया। यह जन्म के समय सामान्य थी और इसका वजन 6.6 किलोग्राम था। डॉली के डीएनए का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसका विकास डोनर के केंद्रक से हुआ था। इस प्रकार से मैमल्स में इस टेक्निक से क्लोनिंग कर भेड़ बनाई गई। थैंक यू।